नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, फायर ऑफिसर के विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 9,534 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए स्नातक, प्लाटून कमांडर के लिए भी स्नातक और इसके साथ ही फायर ऑफिसर के पद के लिए साइंस में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बांका के मंदार पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के पर्यटन स्थल में हमने आपको बहुत सारी जगहों के बारे में बताया है। इसी क्रम में हम आज आपको बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत के बारे में बताने वाले हैं। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारतों में कई कहानियां प्रचलित है। माना जाता है कि इस पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था। अगर आप मंदार पर्वत जाते हैं तो आप पापहरणी और लखदीपा मंदिर भी घूम सकते हैं जो कि वहीं पास में स्थित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के पोस्टर से पटा पटना। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं आज उनके जन्मदिन को लेकर जदयू कार्यालय में पहले से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके साथ ही आज के दिन को विकास दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर तैयारियों का सिलसिला इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही पूरे पटना की सड़कों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन से जुड़े पोस्टर से सजा दिया गया था। साझा किए गए इन पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई अन्य नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई थी। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर 70 पाउंड का केक काटा जाएगा। बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्र में होगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार के शहरी नगर निगम में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसको लेकर सबसे पहले नगर निगम क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से तैयार की गई इस योजना का मकसद शहरी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देना है। इसको लेकर निकायों को कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत सबसे पहले खाली पड़ी निकाय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद उन जगहों पर पार्क विकसित किए जाएंगे जिससे कि हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिले और साथ ही लोगों को टहलने घूमने की निःशुल्क व्यवस्था भी दी जा सके। इसके साथ ही सड़कों के किनारे भी पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। बिहार में अब शुरू होगा रेशम पर 4 वर्षीय बीटेक कोर्स। बिहार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योग की लहर लाने का संकल्प ले लिया है। इसी क्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में उद्योग विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा की है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर के टेक्सटाइल सेंटर में रेशम पर 4 वर्षीय बीटेक कोर्स शुरू करने वाला है। इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में शाहनवाज हुसैन के अलावा उद्योग विभाग के अपर सचिव प्रदीप कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, तमाम कई अधिकारी भी मौजूद हुए थे। इतना ही नहीं, इस बैठक में उद्योग विभाग से संबंधित खाली जमीनों की मापी भी करवाने का आदेश जारी किया गया है। अब होली तक तैयार होगी पहली से 10वीं स्टूडेंट्स का कैचअप कोर्स। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी। हालांकि अब शिक्षा व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए और छात्रों के लर्निंग लॉस की भरपाई करने के लिए कैचअप कोर्स की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी का जिम्मा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंप दिया है, जिससे राज्य भर के सरकारी स्कूल के चुनिंदा विषय पर विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद भी ली जा रही है। हालांकि जानकारों की माने तो इसी हफ्ते कोर्स बनकर तैयार हो जाएगा। होली के पहले बिहारी पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा इसका प्रकाशन करा लिया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की इस गांव के प्रमोद बैठा की तारीफ। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड के एक छोटे से गांव के प्रमोद बैठा का जिक्र किया। मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पंचायत के रहने वाले प्रमोद बैठा और उनकी पत्नी संजू देवी ने आत्मनिर्भरता का उदाहरण जो पेश किया है। दोनों पति पत्नी लॉकडाउन से पहले दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे, हालांकि आज यह अपने प्रदेश में उद्यमी बन गए हैं। बगैर सरकारी मदद के यह मजदूर से मालिक बन गए हैं। प्रमोद बैठा ने दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दिया है। हालांकि प्रमोद बैठा को सरकारी मदद की भी दरकार है। इतना ही नहीं, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रमोद बैठा का जिक्र किया उस वक्त वो रक्सौल में थे।
पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तय किया नामांकन शुल्क। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा जल्दी होने वाली है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क को जारी कर दिया है, जिसके तहत ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपए तय किया गया है। हालांकि महिला प्रत्याशी एससी एसटी और पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के लिए यह मात्र 125 रुपए है। मुखिया और कचहरी सरपंच प्रत्याशी के लिए 1000 तय किए गए हैं। वहीं महिला प्रत्याशी एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को 500 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों को 2000 रुपए, वहीं महिला प्रत्याशी एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को मात्र 1000 रुपए देने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में अधिकारियों को चेतावनी दी है, जिसके तहत उन्होंने जन कल्याण संवाद में शामिल होने के दौरान अपने बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में जमीन से जुड़े मामले बहुत ज्यादा है। जिला अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाए। हालांकि इसको लेकर हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने भी कहा था कि हर हाल में जमीन के मामले में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार ने दो टूक नसीहत देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो लोग इस मानसिकता को नहीं सुधारेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कई आईएएस ऑफिसर का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़ी संख्या में आईएएस ऑफिसर का तबादला किया गया है, जिसके बाद 1985 बैच के अरुण कुमार सिंह को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सरकार ने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को भी मुख्य सचिव रैंक में प्रोन्नति प्रदान कर दी गई है। वहीं अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि मनु भाई परमार को स्थानांतरित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया है। वहीं संतोष कुमार मल्ल को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही प्रेम सिंह मीना को वित्त विभाग का सचिव और वित्त विभाग के सचिव देवेश सेरा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया है। पापा को याद कर एक बार फिर भावुक दिखे चिराग पासवान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन अपने पापा को याद करते हुए भावुक नजर आ जाते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से बीते दिन बुलाई गई लोक जनशक्ति पार्टी की अहम बैठक में चिराग पासवान भावुक नजर आए। आपको बता दें, चिराग पासवान जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो वो रो पड़े और अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जब मेरे पिताजी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि शेर का बच्चा है, अकेले जंगल चीर कर निकलेगा, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से अकेला हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मिड डे मील को लेकर सरकार हुई सख्त। मिड डे मील को लेकर सरकार अब सख्ती दिखाने जा रही है, जिसके तहत जिन सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत खाद्यान्न तो मिल गए लेकिन उनकी एंट्री MIS में नहीं हुई है, ऐसे स्कूल के खिलाफ अब सख्ती दिखाई जाएगी। इसे गंभीरता से लेते हुए योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने सप्ताह भर के अंदर कम्प्लीट डेटा एंट्री सुनिश्चित करने की मोहलत सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी है। इसके बाद निदेशक ने दोषियों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। बिहार के गांवों की सड़क का होगा चौड़ीकरण। राज्य में अगले साल से गांव की सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू किया जाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में 6162.50 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाने सहित उनके चौड़ीकरण का लक्ष्य 2025 तक तय किया गया है, जिसमें से लगभग 15 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण और चौड़ीकरण अगले साल मार्च महीने तक पूरा किया जाना है। इसको लेकर DPR जमा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन हो जाने के बाद जून 2021 में काम शुरू होने की संभावना है, जिसके तहत जानकारों की माने तो तीसरे चरण में सभी 38 जिलों में चयनित सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाना है। बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में रहेगी बिहार की भी अहम भूमिका। बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हाल ही में निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बिहार के 18 IAS अधिकारी बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाते नजर आएंगे। इन वरीय अफसरों में प्रत्यय अमृत और N विजय लक्ष्मी, विनय कुमार प्रेम सिंह, मीना आदेश तितरमारे, धर्मेंद्र सिंह, गोपाल मीना, जय सिंह मनोज कुमार, विनोद सिंह गुंजियाल, प्रभाकर, दीपक आनंद, गिरिवर दयाल सिंह, चंद्रशेखर, केशवेंद्र कुमार समेत कईयों के नाम शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग की माने तो इन अफसरों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के कार्यालय के साथ 3 मार्च को मीटिंग होगी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कन्हैया लाल साह ने जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी है।
पंचायत चुनाव में अफवाहों पर लगाम कसने की शुरू हुई तैयारी। चुनाव आने से पहले अफवाह का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार में पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी को रोकने और गड़बड़ी करने वालों को पहचान करने के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दे दी है और बताया है कि आमतौर पर चुनाव के दौरान अफवाहों से माहौल बिगड़ता है। इसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में निर्वाचन एवं मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए प्रभावी कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन खोज की प्रक्रिया हुई शुरू। दरभंगा वासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार अब अहम कदम उठाने वाली है, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसके दायरे को बढ़ाने के लिए चल रही सरकारी कोशिशों के तहत अब 78 एकड़ भूमि की खोज चल रही है। जानकारों की माने तो यह जमीन बिल्कुल नई और अलग होगी। इतना ही नहीं, इसके तहत करीब 24 एकड़ रनवे और 54 एकड़ जमीन इनक्लेव के लिए ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम दरभंगा का दौरा कर चुकी है। प्रारंभिक तौर पर वर्तमान एयरपोर्ट से सटे रानीपुर इलाके में जमीन चिन्हित किया जा चुका है। गिरिराज सिंह ने नीतीश राज में बिना रुके बिजली के मिलने की कही बात। बिहार के बेगूसराय जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की जहां क्लास लगाई है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राजद के लोगों को विकास की बात कहने का भी हक नहीं है। बिहार में राजद के शासन में कहीं विकास तो दिखाई नहीं, राजद के एजेंडे में ही विकास नहीं था। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद के शासन में कभी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, जबकि नीतीश सरकार में लोगों को हर दिन 24 घंटे बिजली मिल रही है। एनडीए सरकार में हो रहे इस विकास को तेजस्वी यादव देख नहीं पा रहे हैं। राजद को तेजस्वी ने फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जताई इच्छा। असम के चुनावी दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की इच्छा जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उनका प्रयास फिर से राजद को पुराने स्वरूप में लाने का है। इतना ही नहीं, बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल में समान विचारधारा वाले दलों के साथ तालमेल कर चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कही है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान स्पष्ट कर दिया है कि वो असम में अपना दमखम दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, जो कि राजद नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद को 5 से 6 सीट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब तक ममता दीदी के साथ हुई बातचीत के बावजूद गठबंधन की स्थिति पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद कांग्रेस ने नहीं छोड़ी है आस। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण महागठबंधन पार्टी को करारा झटका लगा था। वहीं राजद एक तरफ बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी की आस खत्म नहीं हुई है। बिहार में पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसी क्रम में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद पाठक ने बीते दिन अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का दावा किया है। अब ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी बीमा नहीं हो सकेगा। अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी बीमा के लिए नए नियमों का पालन करना होगा, वरना आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी बीमा नहीं बन पाएगा, जिसके तहत निजी और व्यावसायिक वाहनों के आरसी बीमा फिटनेस परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों की सूची में जल्द ही फास्टैग शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद पुराने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण बगैर फास्टैग के नहीं हो सकेगा। जानकारों की माने तो यह योजना 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। अब एक ही फोन में चला सकते हैं दो दो व्हाट्सएप। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इन दिनों पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कई लोग एक ही फोन में दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट चलाना चाहते हैं, साथ ही कई ड्यूअल सिम रखने वाले यूजर भी यही चाहत होती है। इन दिनों अधिकतर स्मार्टफोन में पैरेलल ऐप का फीचर दिया जाता है। यह फीचर अलग अलग कंपनी के फोन में अलग अलग नाम से आता है। इस फीचर का काम किसी भी ऐप का क्लोन बनाना है। यह आपके फोन में मौजूदा किसी भी ऐप का डुप्लीकेट तैयार कर देता है, जिससे आप दूसरा अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने 1928 में प्रकाश के विवरण का अपना शोध दुनिया के सामने आज ही के दिन पेश किया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का घोषणा आज ही के दिन किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 मार्च 2010 को अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि आज ही के दिन की थी। भारत ने 1 मार्च 2010 को दिन ही हॉकी विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान को हार की धूल चटाई थी। 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाजों के लिए पदक जीतने वाले पहली महिला बॉक्सर एमसी मैरीकॉम जी का जन्म आज के दिन हुआ था। गुजराती भाषा के प्रसिद्ध हास्य लेखक तारक मेहता जी का 2017 में 87 साल की उम्र में उन्होंने आज के दिन आखिरी सांस ली। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म भी आज के दिन हुआ था।
पिच को लेकर रोहित शर्मा ने किया मजेदार पोस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 4 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि पिछले मैच की बात करें तो दोनों टीम के बीच खेला गया तीसरा मैच महज 2 दिन में ही समाप्त हो गया, जिसके बाद से ही पिच को लेकर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सामने देखने को मिल रही थी। जहां एक पक्ष पिच को खराब करार दे रहा था, वहीं रोहित शर्मा सहित कई भारतीय क्रिकेटरों ने पिच का बचाव किया है। रविवार को रोहित शर्मा ने पिच को लेकर एक मजेदार पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, सोच रहा हूं चौथे टेस्ट मैच की पिच कैसी होगी। इस पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने लिखा कि अब इस पर मीम बनेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,930 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,930 रुपए था। इसके अलावा चांदी की कीमत प्रति किलो 67,500 रुपए थी। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल का दाम 93.64 रुपए प्रति लीटर था, वहीं डीजल 86.47 रुपए प्रति लीटर था। राजधानी दिल्ली में बिहार एग्जीबिशन का हुआ शुभारंभ। देश की राजधानी दिल्ली में बिहार एग्जीबिशन की शुरुआत कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस एग्जीबिशन को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को रोजगार दिलवाने के इरादे से हमने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत इथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिहार में तेजी से रफ्तार पकड़े, इसको लेकर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन राजधानी दिल्ली में बिहार एम्पीरियम में बिहार एग्जीबिशन का शुभारंभ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया, जिसमें बिहारी कारीगरों द्वारा बनाए गए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, आभूषण, हर तरह की चीजें देखने को मिली। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कैलाश पासवान, राधा श्याम, प्रियंका कुमारी, मनीष मोहरा, श्वेता रॉय, प्रदीप राहुल, मंडल उजाला चौधरी, अमन राज, श्वेता राज, प्रदीप, अरुण कुमार, साहिल कुमार, संतोष कुमार, सुनील कुमार महतो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किस पार्टी के कार्यकाल में बिहार में विकास की लहर देखने को मिली है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।